नमस्कार, मैं हूं पंडित नरेश नाथ। आज के इस एपिसोड के द्वारा मैं आपको शत्रु विदेशण महाकाली मंत्र प्रदान करने जा रहा हूं। जब कोई बिना किसी कारण के वैर भाव रखे और अनावश्यक हानि पहुंचाने पर तुला हो और बचाव का कोई रास्ता समझ में ना आए, तब शत्रु नाशिनी महाकाली का ये अचूक मंत्र अपने उपासक का शत्रुओं से आत्मरक्षा करने के लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करता है। देवी महाकाली अपने उग्र स्वरूप के बावजूद अपने भक्तों के लिए ममतामयी है। वह अपने भक्तों की शिशु की भांति रक्षा करती हैं। वह अत्यंत भयंकर स्वरूप होने के बावजूद भी भक्तों के लिए उतनी ही ममता में सिद्ध होती हैं। सभी महाविद्याओं में भगवती महाकाली प्रथम महाविद्या मानी जाती है। इनके मंत्रों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। माता चतुर्भुज स्वरूप है और अपने भक्तों के समस्त कष्टों को हर लेती हैं। महाकाली स्वयं ही काल की गति है, इसीलिए मां को आदि मध्य और अंत से परे माना जाता है। अपने भक्तों को संकट से उबारने के लिए वह नाना प्रकार के अवतार समय समय पर लेती रहती हैं। इनकी उग्र साधनाओं में गुरु का दिशा निर्देश होना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी त्रुटि भारी नुकसान की संभावना को उत्पन्न कर देती है। महाकाली शावर मंत्र का अपने शत्रुओं के विरुद्ध तभी प्रयोग करना चाहिए जब आपको कोई और रास्ता दिखाई ना दे। ये मंत्र शत्रु के ग्रह में प्रबल विदेशण उत्पन्न करवा देता है। इस प्रचंड विदेशण शावर मंत्र का प्रयोग मात्र आत्मरक्षा हेतु ही करना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि उस अवस्था में ही इसका प्रयोग करें जब आपके सामने कोई दूसरा विकल्प ना हो। इस मंत्र के प्रयोग में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। मंत्र जाप की विधि। इस प्रचंड मंत्र को मंगलवार से ही आरंभ करना चाहिए, क्योंकि खटकर्मों में विदेशण के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। इस विदेशण मंत्र की साधना काल में आपको काले वस्त्र और काला आसन ही प्रयोग करना है। इस साधना में आप पश्चिम मुख होकर बैठेंगे। इस मंत्र का जाप आपको काले रंग की हकीकी माला से, जो शुद्ध प्राण प्रतिष्ठित की गई हो और शुद्ध हकीकी माला हो, उस माला से 3 माला प्रतिदिन करें और 3 दिन तक आपको इस प्रयोग को करना है। मंत्र जाप करते हुए जहां अमुक शब्द का प्रयोग आता है, वहां आपको अपने शत्रु का नाम लगाना है। इस अत्यंत शक्तिशाली, प्रभावशाली, चमत्कारी मंत्र से आप अपने बड़े से बड़े शक्तिशाली से शक्तिशाली शत्रु को भी घुटनों पर लेकर आ सकते हैं। तो ये तो थी साधना की जानकारी और उसकी विधि। इस मंत्र को आप अपने गुरु मुख से ग्रहण करके ही करें, बिना गुरु के दिशा निर्देश के इस मंत्र को ना करें, क्योंकि गुरु सदा आपका भला ही चाहेगा। यदि गुरु आपको आज्ञा देता है तो आप इस मंत्र को प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस मंत्र की भेंट पूजा पुजारी आपको आपके गुरु के हुक्म अनुसार ही देनी होगी। ये हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी निमित्त है। लोग अच्छाई के बारे में बाद में सोचते हैं, बुराई पहले ही दिख जाती है। तो इस मंत्र का गलत प्रयोग
ना हो, किसी की हानि ना हो, इसलिए यहां हम इसकी भेंट पूजा नहीं बता रहे, ताकि किसी का अनिष्ट ना हो। तो मंत्र नोट कर लीजिए, काली काली महाकाली, दोनों हाथ बजावे ताली, अमुक शत्रु को बांधे, घर में लड़े मरे कटे, महाकाली फट। मंत्र का आपको जाप करना है। तो यदि आप ऐसी ही दिव्य साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष के रोचक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु शास्त्र का बिना तोड़फोड़ उपचार प्राप्त करना चाहते हैं, दिव्य चमत्कारी टोटके जो चारों पदार्थ करतल कर सकें उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। इस भी सोशल प्लेटफॉर्म पर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, वहां पर हमें फॉलो करें। यदि आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, तो वहां पर भी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आज के इस वीडियो के संबंध में यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो या आप अपने जीवन से जुड़ी किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही। जय महाकाली, हर हर महादेव।